स्टेट इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन, इलेक्शन अनाउंसमेंट के साथ ही देश भर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। पर ये होता क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता, वो गाइडलाइंस जो इलेक्शन कमीशन जारी करता है, जिन्हें सभी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को फॉलो करना होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की शुरुआत 1960 के केरल असेंबली इलेक्शन के दौरान हुई थी, लेकिन 1962 के जनरल इलेक्शन के बाद से इसे पूरे देश भर में लागू कर दिया गया। सेंटर, स्टेट या लोकल इलेक्शंस में इलेक्शन डेट्स के अनाउंसमेंट के बाद रिजल्ट के डिक्लेयर होने तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाता है। इसके लागू होने के बाद पॉलिटिकल लीडर्स या मिनिस्टर्स ना तो किसी नए कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं, ना कोई नई योजना लागू कर सकते हैं, ना ही इलेक्शन कैंपेन के लिए गवर्नमेंट रिसोर्सेज और पब्लिक मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कानूनी तौर पर लागू नहीं किया गया है, लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिन्हें वायलेट करने पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और BNS यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा भी सुनाई जा सकती है, जैसे वोट के लिए कास्ट एंड कम्युनल लाइन पर जनता को भड़काना, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए धार्मिक स्थानों का इस्तेमाल करना, डरा धमकाकर या घूस देकर वोट खरीदना, वोटिंग के दिन वोटर्स को शराब बांटना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन पर पढ़ सकते हैं। इलेक्शन से जुड़ी और जानकारी के लिए फॉलो न्यूज़ चेकर।